Hello everyone, welcome back to Quatra Tuition Center. In this particular video, I'll be teaching you a very simple but a very important poem from class 10 syllabus, and the name of the poem is Animals, and it is written by none other than Walt Whitman. So whenever you are doing any poem, there are certain things that you should take care of. आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए. जैसे पहली चीज, आप अच्छे से उस पोयम को समझिए. देखो, आपका जो चैप्टर है, यू नो, इट्स स्प्रेड ओवर 3, 4, 5 पेजेस, इट्स स्प्रेड ओवर सो मेनी पेजेस. बट ऑन द अदर हैंड, पोयम क्या होता है, इट्स जस्ट 2-3 स्टैंजास, इट्स वेरी शॉर्ट एज कम्पेयर टू अ चैप्टर. बट पोयम के अंदर बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, बहुत सारे कंपैरिजंस होते हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट कंपैरिजंस होते हैं, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो जब भी आप कोई भी पोयम करते हैं, किसी भी क्लास में हैं, कोई भी पोयम कर रहे हैं, आपको क्या क्या करना है. सबसे पहले आपको उसको अच्छे से रीड करना है. यू हैव टू रीड द पोयम वेरी प्रॉपरली. नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स. इसका मतलब ये है कि आपको समझना है कि इस लाइन के थ्रू व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से. क्या वो कोई कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है, क्या वो कोई पैरेललिज्म ड्रॉ कर रहा है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, तो आपको वो देखना है. थर्ड चीज होती है, आप अच्छे से पोएट का नाम याद रखेंगे, बिकॉज अक्सर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है आपको. दूसरा और आपको क्या देखना है, यू हैव टू लुक एट ऑल द पोएटिक डिवाइसेस that are being used. कहीं जगह इनको लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना, इट्स वन एंड द सेम थिंग. इस वीडियो में आई टेल यू एवरी थिंग, आई टेल यू अबाउट पोएट, आई टेल यू अबाउट पोएटिक डिवाइसेस, वील टॉक अबाउट एवरी थिंग. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है. आई जस्ट एक्सप्लेन दिस स्टैंजा टू यू. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. जो हमारा author है, sorry, जो हमारा poet है, वो आपको क्या कर रहा है? He is trying to give you an idea. And what is the idea? That he'll be comparing animals with humans. He'll tell us what are the differences. He'll talk about similarities. अगर है कोई similarity तो. बट वो पहले क्या बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड हूँ विद एनिमल्स. फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, दैट आई एम एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनिमल्स. वो आपको ये बता रहा है. और अब वो अपना थोड़ा सा अपना आइडिया हम लोगों को देगा, एंड उसके आइडिया के अकॉर्डिंग, उसके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस. एंड देन ही विल ट्राई टू जस्टिफाई इट विद डिफरेंट एग्जांपल्स, विद डिफरेंट केसेस. ही विल ट्राई टू जस्टिफाई इट कि क्यों एनिमल्स जो है वो ह्यूमन से बेटर है. ओके ओके, तो वो पहले सबसे पहले क्या बोलता है, दैट आई कैन लिव विद एनिमल्स फॉर एवर. व्हाई आई कैन लिव, बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सो सेल्फ कंटेन्ड. कि वो बहुत ही काम है, दे आर सुपर काम, एंड दे ओनली think about themselves. They don't try and poke their nose into someone else's business. किसी और के business में टांग नहीं अड़ाते या कुछ भी ऐसा नहीं करते. They mind their own business, which is a really good quality. So इसलिए मुझे animals ज्यादा पसंद है humans के मुकाबले. I stand and look at them long and long. और मैं उनको बहुत appreciate करता हूँ. This is what the poet is saying in first stanza. आगे चलते हैं. अब देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कौन से आपके लिटरेरी डिवाइसेस हैं या फिर आपके पोएटिक डिवाइस कौन से हैं. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ये दोनों एक ही चीज होती है, पोएटिक एंड लिटरेरी डिवाइस, इट्स वन एंड द सेम थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अब कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एक पोएटिक डिवाइस होता है आपका एसोनेंस, जिसके बारे में इतना स्कूल में बात नहीं होती है, बट काफी ज्यादा 10th क्लास की पोएम में देखने को मिला है, ऑलमोस्ट हर पोएम में है. तो एसोनेंस में क्या होता है, आप एक वॉवल लेते हो, यू टेक वन वॉवल,
एंड दैट वोवल इज रिपीटेड इन द सेंटेंस. बहुत बार वो यूज होता है पूरे सेंटेंस में. जैसे आई थिंक आई लिव विद एनिमल्स. और स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है कि इट शुड बी द फर्स्ट फर्स्ट वर्ड ऑफ योर फर्स्ट लेटर ऑफ योर वर्ड. कहीं पे भी यूज हो सकता है. सो आई थिंक आई लिव विद एनिमल्स. ठीक है, बार बार आई यूज किया गया कहीं पे बीच में, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एसोनेंस. आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप कमेंट सेक्शन में बताओगे एसोनेंस और एलिट्रेशन में डिफरेंस क्या होता है. यू गाइज विल टेल वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोनेंस एंड एलिट्रेशन. एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, आई विल एक्सप्लेन द इंटायर पोयम एंड ऑल्सो आई विल गिव यू वन बोनस क्वेश्चन इन बिटवीन द वीडियो. तो पहला ये हो गया आपका पोएटिक डिवाइस, दूसरा पोएटिक डिवाइस है आपका रेपिटेशन, और तीसरा पोएटिक डिवाइस है आपका एनाफोरा, जो इस एक छोटे से सेंटेंस में यूज किया गया था. रेपिटेशन क्या होता है कि हम एक ही वर्ड को बार बार यूज करते हैं अगेन एंड अगेन टू क्रिएट सर्टेन इफेक्ट, टू क्रिएट सर्टेन इफेक्ट. ओके, तो यहाँ पे वो बार बार लॉन्ग वर्ड को यूज करता है क्योंकि वो बोलता है कि मेरी बहुत ही पुरानी इच्छा है या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विश है मेरी और बहुत ही ओल्ड विश है. ही वॉन्ट्स टू क्रिएट एन इफेक्ट देयर. ही वॉन्ट्स टू टेल अस कि ये बहुत ही ओल्ड विश है. ओके, नेक्स्ट इज एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है, जब एक ही वर्ड आप यूज करते हो टू स्टार्ट टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स. ठीक है, सेम आपकी फर्स्ट लाइन है, आपने यूज किया कोई वर्ड, नेक्स्ट लाइन में भी आपने वही वर्ड यूज कर दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा. जैसे लेट्स गो बैक एंड सी. जैसे यहां पे इसकी फर्स्ट लाइन थी आई थिंक आई कुड टर्न आई, और ये भी आई. फर्स्ट लाइन जो है वो भी आई से स्टार्ट हुई है, सेकेंड लाइन भी क्या है, आई से स्टार्ट हुई है. सो दिस इज रेपिटेशन. आई एम सॉरी, दिस इज एनाफोरा. आई एम सॉरी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आंसर. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. तो यहाँ पे he is taking a dig at humans. He is taking a dig at humans. तो बोल रहे humans ये सब करते हैं indirectly, but animals ऐसा नहीं करते. They don't sweat. वो किसी पुरानी चीज के बारे में सोच के डरते नहीं हैं. कभी whine नहीं करते. Whine मतलब होता है complain. They don't complain about their condition. और रात भर उठे नहीं रहते. मतलब ह्यूमन जैसे बहुत अनईजी हो जाते हैं गलत काम करके, कोई सिन करके. सिन होता है पाप. तो कोई गलत काम करके, कोई सिन करके ह्यूमन्स गेट वेरी अनईजी. मे बी वो सो नहीं पा रहे हैं, मे बी वो रोते जा रहे हैं, दे आर वीपिंग, समथिंग लाइक दिस. बट ऑन द अदर हैंड एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते. दे नीदर कंप्लेन, दे नीदर गेट दे नॉर गेट अनईजी. कभी भी उनको डर नहीं लगता किसी चीज का क्योंकि वो गलत काम करते ही नहीं. दे डोंट कमिट सिंस. सो They live a carefree life. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Now this is very important. तो बोलता है कि जो animals हैं वो author को sick नहीं करते. They don't make author very sick. Sick मतलब again author को परेशान नहीं करते हैं, author को irritate नहीं करते हैं. और ऑथर कैसे इरिटेट हो जाता है कि जब लोग फेक तरीके से बात करते हैं और गॉड के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और बहुत फेक तरीके से करते हैं, तो ऑथर को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है. ऑथर बोलता है कि ह्यूमंस की ये टेंडेंसी होती है जहां पे वो फेक तरीके से दे कीप टॉकिंग. ऑलराइट, उसके बाद फिर यार वो बोलता है कि एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि कोई डिससेटिस्फाई होके एक जगह बैठ जाएगा कोई एनिमल, या फिर कोई इस रेस में भाग रहा है कि दे वांट टू ओन मोर एंड मोर थिंग्स. नोबडी इज इन दिस मटेरियलिस्टिक रेस. ओके, सो दिस इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से. सो यहां पे इस पूरे स्टैंजा में जो आपका पोएट है ही इज ट्राइंग टू Compare animals with humans, and वो directly नहीं बोल रहे कि humans ऐसे हैं या वैसे हैं. वो बस ये बता रहे कि animal ऐसे नहीं होते. So he is just trying to point towards the attitude which is wrong, और वो किसी और में है, but animals में वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता. अब हम poetic devices देखते हैं जो भी यहाँ पे use हुए. तो यहाँ पे anaphora use हुआ था, मैंने आपको बता दिया है क्या है anaphora. जब आपके consecutive lines हैं
और उसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो बार बार एक ही यूज हो रहा है, उसे हम एनाफोरा बोलते हैं. तो यहाँ पे दे बार बार यूज किया गया, जैसे देखो दे दे एंड दे. इट हैज बीन यूज इन थ्री लाइन्स एंड द लाइन्स वर ऑल टुगेदर, सो इसको हम एनाफोरा बोलेंगे. उसके बाद आपके पास है मेटाफोर. सो आई थिंक मेटाफोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज हैव बीन डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग नाउ, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन. सो मेटाफोर क्या होता है, वेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर एनी थिंग टू पीपल, टू कम्युनिटीज, टू एटीट्यूड्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक. आप एज और लाइक यूज नहीं करते हो, बट स्टिल आप कंपेरिजन स्ट्राइक करते हो. यू स्टिल स्ट्राइक द कंपेरिजन. जैसे यहाँ पे स्वेट एंड वाइन रेफर टू क्राइज एंड कंप्लेन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि एनिमल्स डोंट क्राई और वाइन लाइक ह्यूमन्स. लाइक वर्ड यूज नहीं किया गया, बट स्टिल वी नो कि ही इज ट्राइंग टू कंपेयर बिटवीन टू टेंडेंसीज. Now let's look at the third stanza. Not one kneels to another, nor to his kind that lives thousands of years ago. तो बोलते हैं animals में ऐसा नहीं होता कि वो किसी को kneel करते हैं. कि अगर ये पूरे animals हैं यहाँ पे, तो इसमें से एक को वो god मान लेंगे या फिर किसी एक को वो थोड़ा better status दे देंगे. जैसे हम लोगों में होता है कि किसी को god man बना दिया, कुछ कर दिया. तो ऐसा animals नहीं करते. जितने भी animals हैं वो सब एक level पे, equal level पे, ठीक है. ओके, ऑल ऑफ देम आर एट इक्वल लेवल. ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर इससे थोड़ा सा हायर लेवल पे हो जाएगा, नो. और ना ही वो किसी ऐसे को प्रे करते हैं जो उनसे थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो था. जस्ट बिकॉज जो दूसरा इंसान है वो बहुत साल पहले रह के गए, इसलिए वो उसको गॉड नहीं मान लेते या फिर उसको वर्शिप करना स्टार्ट नहीं करते थे. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल. ऐसा नहीं करते कि एक को ज्यादा रिस्पेक्ट दी, एक को कम रिस्पेक्ट दी. इसी वजह से उनमें से कोई भी अनहैप्पी नहीं है, क्योंकि ना तो वो मटीरियलिस्टिक है, ना तो वो किसी की वर्शिप करते हैं, तो कोई भी अनहैप्पी नहीं है. दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. जो हमारा पोएट है वो कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएटिव है ऑफ एनिमल्स. ही रियली सपोर्ट्स एनिमल. तो ये लाइन वो हमें बता रही है. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. और दे एविंस का मतलब होता है इंडिकेट, कि वो मुझे अपने, वो दिखाते हैं अपना लाइफ स्टाइल. आई सी देयर लाइफ स्टाइल एंड आई एम रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर लाइफ स्टाइल. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो लाइफ है, मेरे जो आइडियाज हैं, वो एनिमल से ज्यादा मैच करते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमंस. नाउ लेट्स लुक एट द पोएटिक डिवाइस. यहाँ पे भी मेटाफर यूज किया गया. मेटाफर क्या होता है? इट्स कंपेरिजन विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज. द इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन आर रेफर टू एज टोकन. तो क्या बोलते हैं कि जो क्वालिटी है उसको उसने किससे रेफर किया है? टोकन से. नेक्स्ट, आई वंडर वे दे गेट दोज टोकन्स. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. तो वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता उनमें सारी क्वालिटीज कहां से आई. जो उसने टोकन्स को क्वालिटीज की तरह रेफर किया था, तो वो बोलता है आई डोंट नो दैट वेयर डिड दे एक्वायर दीज क्वालिटीज. और वो सोचता है कि क्या ह्यूमंस ने उनको पास कर दिया, कि हमसे ड्रॉप हो गई. वी वर नॉट वेरी केयरफुल एंड वी ड्रॉप्ड ऑल दीज क्वालिटीज. और ये सारी क्वालिटीज किसके पास चली गई? एनिमल्स के पास. नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you have any doubts regarding this poem or the poetic device that I have talked about, you can definitely drop some comments or you can drop an email to our email address. Please do like, share and comment. Thank you.